बस बॉलीवुड के जाने माने एक्टर जूनियर महमूद अब हमारे बीच नहीं रहे। वहीं अपने निधन से कुछ समय पहले महमूद साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सबकी आंखें नम रह गईं। आपकी जानकारी के बता दें कि जूनियर महमूद काफी लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। वहीं इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि कैंसर ने महमूद की बॉडी को पूरी तरह से काबू कर लिया है और ये इनका आखिरी स्टेज है। वहीं जैसे ये खबर इनके सबसे करीबी दोस्त जॉनी लीवर तक पहुंची तो ये इनसे मिलने के लिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। यहाँ तक कि महमूद के निधन के बाद जॉनी लेबर ने बताया कि इन दोनों की दोस्ती लगभग 50 साल पुरानी थी। परिवार ही है, ये हमारे बच्चे जो है रफीक और आशू जो, ये और मेरी बेटी जैमी, ये साथ में बड़े हुए, तो हम लोग का बिल्कुल फैमिली रिलेशन है और सालों से 58 ईयर्स समझ लो है ना। और फिर उन्होंने, वो इतने बड़े स्टार थे लेकिन हमको हमेशा प्यार दिया उन्होंने। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने निधन से कुछ समय पहले महमूद साहब ने अपने चाहने वालों के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर किसी का दिल पिघल गया। काम क्या है और ऊपर वाले से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, डिमांड रखते हैं कि और कौन सी फिल्म में काम करें और कैसी क्या क्या ख्वाहिशें हैं आपकी? मैं बहुत सीधा साधा जीने वाला आदमी हूँ, आपने मुझे इतनी सालों से पढ़ लिया होगा। सलाम भाई, बस मैं मरूँ तो ये बोले यार, बंदा अच्छा था, बस चार आदमी इतना बोले तो अपनी जीत हो गई समझ लीजिए। साथ ही जूनियर महमूद ने कहा कि सिनेमा जगत ने जो इन्हें इज्जत दी ये हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे।